आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैमलिन की ट्रायंगुलर कलर पेंसिल्स। और आज मैं कैमलिन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत डिफरेंट ब्रांड्स की पेंसिल आती है, लाइक फेबर कैसल हो गया, देन उसके बाद ऐसे कुछ ब्रांड्स भी होते हैं जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे मैं बेसिक चीज के बारे में बात करूंगा, मतलब कैमलिन के बारे में बात करूंगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि इसके अगर हम बाद में जाते हैं तो कलर पेंसिल्स में बहुत सारे ऑप्शन है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बट इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर टेक्निक, तो आई थिंक कैमलिन से स्टार्ट करना सही है, ठीक है। तो मेरे पास ये 12 शेड वाली पेंसिल है, और कैमलिन ये दावा करता है ये ब्राइट कलर विद स्मूथ सुपर स्मूथ लेड्स है, ठीक है, लीड्स है या लेड्स है कुछ भी आप कहिए। इसके अंदर तीन स्पेशल शेड भी दे रखे हैं, नियॉन पिंक, नियॉन वायलेट एंड गोल्ड। अब कैमल जो ये क्लेम कर रहा है वो किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है, क्योंकि मैं अभी करने वाला हूँ इस पर एक बहुत हार्श टेस्ट। मैं इन पेंसिल को हर तरीके से टेस्ट करूंगा, मतलब इनकी कलर क्वालिटी के बारे में और कितना ये प्रेशर झेल सकते हैं, क्योंकि हम इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंसिल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, साथ में 3D आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 12 शेड्स हैं, तो काफी लिमिटेड हैं अभी ये, क्योंकि इसमें अलग अलग शेड्स में 24 शेड्स भी आते हैं, 48 भी आते हैं, देन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ओके, इसके अंदर फ्री शार्पनर भी दे रखा है, ठीक है। सो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ कैसी है, कैसी नहीं है, और आपको क्या ये पेंसिल बाय करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको किसी दूसरे ब्रांड की बाय करनी चाहिए। तो इसको अनबॉक्स करने से पहले, टेस्ट करने से पहले, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, ये तो आपका फर्ज बनता है, आपको करना ही करना है एज एन आर्टिस्ट। और आप भी आर्टिस्ट हैं और क्रिएटिविटी आपको पसंद है, तो आपका ये फर्ज बनता है लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करवाना, जितना आप सब्सक्राइब करवा सकते हो लोगों से, ताकि हमारी ये कम्युनिटी बिल्ड हो, ठीक है। सो ये जो पैकेट आता है, वैसे तो ये 100 रुपीज़ का आता है, लेकिन आपको ये स्टेशनरी पे 90 रुपीज़ का मिल जाएगा, वो तो हर कोई MRP पे सेल कर रहा है, बट मैंने ये पैकेट 90 रुपीज़ में लिया है, मुझे स्टेशनरी वाले 90 रुपीज़ में दिया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। 177 mm लेंथ की ईच ट्रायंगुलर कलर पेंसिल है, 12 शेड्स हैं, एक शार्पनर दे रखा है, ओके थैंक यू, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, कैमलिन ट्रायंगुलर कलर पेंसिल्स आर ब्रेक रेजिस्टेंट, वो तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि है कि नहीं है, क्योंकि मैं इसको बहुत पूरी तरीके से टेस्ट करूंगा। और इसमें कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं, क्रॉस हैचिंग एंड स्कम्बलिंग टेक्निक्स के लिए डेफिनेटली मैं एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ। आपको लगता होगा कि हर वीडियो में मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मैं नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, एक्चुअली इतनी सारी वीडियोस क्रिएट मैंने ऑलरेडी कर रही है, वो हमारी एडिटिंग पार्ट अभी एडिटिंग में चल रही है, और देन जैसे ही वो एडिटिंग कंप्लीट होती है 1-2 हफ्ते में, तो इतनी लगातार रेगुलर वीडियोस डलेगी कि आप कहोगे कि इसने ये वीडियोस बनाई कब, क्योंकि देखो मेरे पास इसके अलावा और भी काम रहते हैं, तो अपने शेड्यूल से मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपके पास ये सारी आर्ट की नॉलेज पहुंचे और आपको पता चले कि क्या सही चीज़ आपको खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप, मतलब कहते हैं ना, विदाउट द ट्रैक जाकर काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता ऐसा। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, मैं आपके लिए ही आ रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है। टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा मैं, बहुत कुछ है सिखाने को, बहुत कुछ सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो उसको खोलता हूं मैं, ठीक है, एकदम ब्रांड न्यू पैकेट है, मैंने टेस्ट नहीं करा इसको एक बार भी अभी तक। सो इसको निकालते हैं, ओके ये आ गई, ओके। सो माय फर्स्ट इंप्रेशन, किसी भी कलर को देख के ब्राइट एंड कहते हैं ना अट्रैक्टिव लगते हैं, और हम जो आर्टिस्ट बंदे होते हैं, हमें तो खैर कलर से प्यार होता है, मतलब हम ब्राइट कलर्स को देख के कुछ ना कुछ होता है ना कि कितने कलरफुल लगते हैं, क्रिएटिविटी अंदर आ जाती है। और एज कैमलिन प्रॉमिस, एक शार्पनर दे रखा है, हाई रिजर्व भी दे देते हैं, जस्ट जोकिंग, ओके। सो 12 शेड्स हैं इसके अंदर, आप एज यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, ऑरेंज है, पर्पल है, येलो, रेड, डार्क ब्लू, ब्राउन, पिंक, ग्रीन, ये नियॉन पिंक है एक्चुअल में, ठीक है, और ये है आई थिंक गोल्ड है, वायलेट है, आपका डार्क ग्रीन है, और ये आपका ब्लू है, ठीक है। चलो इसको ये करके टेस्ट करता हूँ, इसका हार्श टेस्ट लेता हूँ मैं कि ये सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं ऑरेंज वाले से, ओके। देखो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल के इसकी स्केचिंग कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ एकदम स्मूथ मूवमेंट लग रही है मुझे, कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कहीं से फ्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में पेपर भी काफ़ी सॉफ्ट यूज़ कर रहा हूँ, कार्टर शीट होती है तो उस पर भी ऐसी ही चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो मैं कितनी हार्श तरीके से प्रेशराइज कर रहा हूँ पूरे टिप को, और काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है, और यही तो चाहिए होता है हमें कि ताकि हमें भी मज़ा आए कलर करने में। अब देखो कितनी मैं मतलब फोर्सफुली इसको कर रहा हूँ, और वाकई में टिप ने बहुत अच्छा साथ दे रही है, एकदम स्मूथ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अभी खैर ये तो पहला कलर है, अभी तो बाकी 11 कलर तो और बचे हुए हैं, तो वो तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो पहला कलर जो ऑरेंज कलर था पास हुआ, ठीक है।
और दूसरा कलर है हमारा पर्पल। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, बट आपको टेस्ट करके दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये वीडियो टेस्ट करने के लिए ही बनाई है। ओके, मैं इसको भी पूरा प्रेशर से कर रहा हूँ, स्क्वायर बना के पूरा प्रेशर से ही मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि कितना कलर आ रहा है और क्या मेरे कितने प्रेशर को ये, क्योंकि हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो हमें डिफरेंट स्ट्रोक सही होते हैं। कई बार हम बहुत लाइट तरीके से करते हैं, कई बार हम बहुत ही प्रेशर से करते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो अभी तक तो इस पेंसिल मेरा बड़ा सही साथ दे रही है, एज यू कैन सी। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम येल्लो कलर पे। येल्लो कलर पे आ गए हम। ओके, बहुत बहुत अच्छे कलर्स हैं यार, बहुत अच्छा, मतलब शेड काफ़ी अच्छा आ रहा है। आई थिंक ये कैमरे में भी इतना अच्छा दिख रहा हो, क्योंकि शेड बड़ा कमाल का आ रहा है। मतलब मुझे कोई, मैं इतने प्रेशर से कर भी रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसे आपको टेस्ट करने के लिए मैं किसी भी टाइप की शेडिंग कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से अपनी पेंसिल को चला रहा हूँ, वो तो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रेशर पॉइंट पुट कर रहा हूँ मैं। ये रेड है, काफ़ी अच्छा शेड है, काफ़ी अच्छा शेड, काफ़ी स्मूथ मूवमेंट है। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा ये प्रोडक्ट, 100 रुपीज़ में इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट। आप एज अ बिगिनर इस चीज़ को खरीद सकते हैं, आपके पेरेंट्स की पॉकेट से भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और अगर इवन एज अ स्टूडेंट भी आप खरीद रहे हैं तो ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं पड़ेगा। एक बार टेक्निक आपकी बिल्ड हो जाए ना, एक बार टेक्निक बिल्ड हो जाए आपको, आप अपने खेल के माहिर खिलाड़ी बन जाए, तो आप कितने भी एक्सपेंसिव किट ले लेना। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, लेकिन देन आप क्रिकेट की टेक्निक आपकी इतनी अच्छी हो गई कि देन आप अच्छे बैट से खेलोगे तो आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। सेम इसमें भी है कि अभी तो फिलहाल आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, एंड जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, आपका हाथ एकदम सेट हो जाए, तो आप बहुत ही अच्छे कलर्स एंड किट्स एंड सब पे जा सकते हो। तो वो क्या करेगा, आपकी ड्राइंग को और चार चांद लगाएगा। ठीक है, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड गुड किट देन इट्स अप टू यू। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने भी जब स्टार्ट करा था तो मैंने भी कैमलिन के पेंसिल से ही स्टार्ट करा था। मतलब मैं भी कोई इतना जंप नहीं कर गया था, मतलब कि एकदम जाके महंगी फिट नहीं खरीद ली थी। पहले चीज़ तो ये कि स्कूल में दिलाता कौन था, घर वाले इतने पैसे थोड़ी ना खर्च करते थे, वो तो कहते थे कि बस सस्ती से सस्ती चीज़ दिला दो, बट मैंने उन सस्ती चीज़ों से ही सीख ली और आज मैं महंगी से महंगी किट अफोर्ड कर पा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। यही चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ अगर आप स्कूल में हैं। ओके, ग्रीन, ओके, आपको लग रहा होगा लेकिन मैं बहुत हार्श टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत कहते हैं ना फोर्सफुली, मतलब पूरा प्रेशर डाल के इस पेंसिल को चला रहा हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी जो निब है वो टूटेगी कि नहीं टूटेगी। ओके, तो अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड, ओके, गोल्ड पे ही पूरा प्रेशर डाल रहा हूँ मैं। I want a good golden shield. ये है हमारा ब्लैक। ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, शेडिंग में काम आता है, आउटलाइंस में काम आता है, तो ब्लैक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलर एरिना। ओके, एज एक्सपेक्टेड काफ़ी स्मूथ है। ओके, अब आते हैं हम ये डार्क ग्रीन कलर है। बहुत स्मूथ मूवमेंट है पेंसिल्स का, मज़ा आ गया यार। अगर आप भी लेके आओगे आपको मज़ा आएगा। जितने लोग कैमलिन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड प्रोडक्ट। आप पेंसिल कलर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बेझिझक, बिना डरे और बिना सोचे, आप, मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसको रिव्यू करके आपको बता सकूँ कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये था हमारा इस बॉक्स का आखिरी कलर, बहुत बढ़िया है। ये देखिए कितना ब्राइट कलर्स आए हैं, बहुत ही सुपर स्मूथ मूवमेंट था, एक भी निब नहीं टूटी, जिससे इसकी क्वालिटी का पता चलता है, ऐसा जो कैमलिन मतलब क्या कहते हैं दावा करता है, इट्स ट्रू। ठीक है, और ये आपके सामने 12 शेड्स हैं, दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट इफ यू वॉन्ट टू बाय इफ यू आर स्टार्टिंग इन पेंसिल कलर पेंटिंग, इन पेंसिल कलर आर्ट, दैन यू कैन ऑप्ट फॉर कैमलिन पेंसिल कलर्स एंड देन यू कैन परचेज मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेटर। सो आप ये कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सो ये था कैमलिन के ट्रायंगुलर कलर पेंसिल्स का रिव्यू। बहुत जल्दी इसकी सीरीज भी लेकर लौटूंगा। आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। सो अभी तक के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।